तो क्या कभी आपने सोचा कि स्कूलों में प्रिंसिपल्स का क्या रोल होता है? आखिर प्रिंसिपल्स क्यों लगाए जाते हैं स्कूलों में? काम क्या करते हैं प्रिंसिपल? स्कूलों में पढ़ाई होती है, पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट और पढ़ाते हैं टीचर्स। तो स्टूडेंट पढ़ेंगे, टीचर्स पढ़ाएंगे, तो स्टूडेंट और टीचर्स ही काम चला सकते हैं, पढ़ना और पढ़ाना का काम है। तो फिर सरकार प्रिंसिपल्स को क्यों रखती है? और कमाल की बात है, आपको पता भी होना चाहिए कि स्कूलों में प्रिंसिपल की सबसे ज्यादा सैलरी होती है। एक महीने में 90,000, 95,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के करीब एक प्रिंसिपल एक महीने में सैलरी लेता है। आखिर सरकार इतनी मोटी सैलरी एक प्रिंसिपल को क्यों देती है? आपको प्रिंसिपल का काम जानना बेहद ज़रूरी है, प्रिंसिपल का रोल क्या है ये जानना ज़रूरी है। लेकिन ये प्रिंसिपल अपना काम छोड़ स्कूलों में कर क्या रहे हैं? बड़े बड़े घपले हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, करप्शन हो रहे हैं, जिन्हें समझ करके जान करके आप हैरान हो जाओगे। और आपको जानकारी होनी चाहिए साथ में ऐसे प्रिंसिपल्स का क्या करना चाहिए। वो तो आप ही अपना सजेशन कमेंट में रखेंगे, बात करेंगे कि प्रिंसिपल रखे क्यों जाते हैं और ये कर क्या रहे हैं। देखिए, जब पढ़ना और पढ़ाना टीचर और स्टूडेंट का ही काम है, तो प्रिंसिपल का एज ए सुपरवाइजर स्कूलों में रोल होता है। मतलब एक स्टूडेंट सही से पढ़ रहा है या नहीं, एक टीचर स्कूलों में सही से पढ़ा रहा है या नहीं, स्कूलों में किस चीज़ की ज़रूरत है, कितने टीचर्स चाहिए, कितने स्टूडेंट हैं, कितने कमरे वगैरह वगैरह, व्यवस्था सारी बनाना, टीचर्स को किस चीज़ की ज़रूरत है पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कौन कौन सी समस्याएं स्टूडेंट को स्कूलों में आ रही है, इन सब को देखना, समझना और इन्हें दूर करना प्रिंसिपल का काम है। मतलब ओवरऑल ये कहें कि स्कूल में जब बच्चा एंटर होता है तो पढ़ता है और छुट्टी तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। बच्चा सही से पढ़ रहा हो इसको देखना, समझना, बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हो जो सरकार प्रोवाइड करवा रही है, वो सारी फैसिलिटीज़ क्या एक स्टूडेंट को मिल रही है, ये सब कुछ देखना। और इन्हें अगर समस्याएं हैं तो इन्हें दूर करना, ये एक प्रिंसिपल का काम है। और मैं एक ये मानता हूँ, ये समझता हूँ कि काम करना आसान है लेकिन काम करवाना उतना मुश्किल है। करता तो काम लेबर है, करते तो काम मजदूर हैं, लेकिन उन्हें सुपरवाइज करने के लिए एक सुपरवाइजर रखा होता है। और ये सुपरवाइजर ये देखता है कि कहाँ पर कितना काम हुआ है, कितने लेबर चाहिए, कितना काम और बाकी है, क्या क्या सामान की ज़रूरत है। तो बस ये मान के चलिए कि यही सुपरवाइज करना सब कुछ काम प्रिंसिपल का होता है और प्रिंसिपल की बड़ी जिम्मेदारी होती है। और मैं अगर एक लाइन में कहना चाहूँगा कि किसी भी स्कूल को कितना हाई लेवल तक ले जाना प्रिंसिपल के हाथ में है, और किसी स्कूल का बंटाधार करना वो भी प्रिंसिपल के हाथ में। ओवरऑल आप ये देखें कि जिन जिन भी स्कूलों में डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है, बच्चे जो फैसिलिटीज़ है बच्चों को सारी चीज़ें मिल रही हैं, लाइट, पंखा, पानी, पढ़ने का, कमरे वगैरह वगैरह सारा है, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो आप ये मान के चलिए कि उस स्कूल का प्रिंसिपल अपनी ड्यूटी सही से पूरी कर रहा है। और यस, जो से लाख और उससे ऊपर की सैलरी मिल रही है वो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अगर जिन स्कूलों में ये सारी फैसिलिटीज़ अगर कहीं कहीं डगमगा रही है तो ये आप समझिए कि कहीं ना कहीं उसमें प्रिंसिपल की कमी है, जो उसे ठीक से नहीं मैनेज कर पा रहा है, और वो जो फैसिलिटीज बच्चों को मिलनी चाहिए
वो नहीं मिल पा रही है। अब बात करते हैं कि आखिर जब इन प्रिंसिपल का ये रोल होता है तो तुम्हें इतनी सैलरी बनती है, इतना पेन लेना पड़ता है, काम करना आसान है लेकिन करवाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये प्रिंसिपल अपना काम छोड़ कर के स्कूलों में करप्शन, घोटाले, यहाँ की वहाँ सब काम चल रहा है, चला रहे हैं। सच के सोच करके सच में हैरानी हुई। और जब इस बात को समझा और ये बात संज्ञान में आया दिल्ली के एलजी साहब के पास, तो उन्होंने तुरंत स्कूलों को प्रिंसिपल और टीचर्स के आदेश के जांच के आदेश दे दिए और अब स्कूलों की पूरी जांच होगी स्टार्टिंग से आज तक। ये मान के चले कि आज से 5 और 10-10 साल के रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे और प्रिंसिपल जो करप्शन में हैं, इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। और हाँ, ऐसे प्रिंसिपल को पक्का जाना ही जाना है। आपके स्कूलों में भी एज ए स्टूडेंट आप देख रहे होंगे, एज ए टीचर्स आप देख रहे होंगे कि स्कूलों में दो तरह के टीचर्स लगाए जाते हैं, एक परमानेंट टीचर है और एक गेस्ट टीचर है। तो गेस्ट टीचर्स एक प्रोसीजर से गेस्ट टीचर लगाए जाते हैं, पूरी डिग्री उनके पास होनी चाहिए, सारे डिप्लोमाज उनके पास होने चाहिए, पूरी जो योग्यता है वो परमानेंट टीचर्स की तरह सारी योग्यता उनमें होनी चाहिए, तो वो एज ए गेस्ट टीचर स्कूलों में लगाए जाते हैं और ये बच्चों को पढ़ाते हैं। अब प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं कि इन्होंने, क्योंकि अभी तो सरकार ने काफ़ी हद तक प्रिंसिपल को सारी जिम्मेदारी दे दी कि भैया आप ही संभालो अपने लेवल पर, आपको ऊपर तक की खचर पचर की दिक्कत नहीं आएगी, आप मतलब छोटे बड़ी जो समस्या आप उन्हें हैंडल कर सकते हो। ऐसे में प्रिंसिपल ने अपनी मनमानी शुरू कर दी और उन्होंने फर्जी गेस्ट टीचर्स लगाने शुरू कर दिए स्कूलों में। हैरानी होगी कि जिनके पास डिग्री ही नहीं, जिनके पास डिप्लोमा ही नहीं, आप ये मान के चले कि जो उस योग्यता को पूरी करते ही नहीं है, ऐसे ऐसे गेस्ट टीचर्स स्कूलों में लगाए गए हैं। और सरकार को इस बात की खबर है या नहीं, लेकिन प्रिंसिपल धड़ल्ले से इनको ज्वाइन करके जो इनकी सैलरी मिलती है ना वो खुद रख रही है। और एक स्कूल की तो कमाल की बात है कि प्रिंसिपल ने अपनी पत्नी का नाम एज ए गेस्ट टीचर्स के रूप में लिखा हुआ है। और पत्नी आप ये मान के चलो कि जो प्रिंसिपल की वाइफ है वो कितने साल की हो सकती है, लेकिन उनकी जो वाइफ है एज ए गेस्ट टीचर वर्किंग है, स्कूलों में जा नहीं रही है लेकिन उसकी सैलरी अकाउंट में आ रही है। बहुत सारे ऐसे गेस्ट टीचर हैं जो पहले तो काम करते थे लेकिन किसी कारणवश वो रिलीव हो गए, उन्हें रिलीव होना पड़ा या उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया। अब ऐसे में वो तो हट गया लेकिन प्रिंसिपल ने उसे सिस्टम से नहीं हटाया, उसे ऑनलाइन की दुनिया से नहीं हटाया और सैलरी को अकाउंट नंबर बदल करके उसकी सैलरी को प्रिंसिपल खुद अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है। मतलब ये मान के चलिए कि 1 लाख जिसकी सैलरी आ रही है वो भी ईमानदारी से, अगर प्रिंसिपल अपना काम सही ढंग से करे तो 1 लाख कम नहीं होते। और प्रिंसिपल को ये 1 लाख भी कम पड़ रहे हैं, ऐसे में उन्होंने अपने स्कूलों को जो करप्शन है उसका अड्डा बना दिया है। अब एलजी साहब ने जांच के आदेश दिए हैं और देखते हैं कि कितने प्रिंसिपल इस करप्शन में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, गवर्नमेंट क्या लेगी वो दूसरी बात है, कोर्ट क्या लेगी वो दूसरी बात है, लेकिन एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर्स, एज ए पेरेंट्स, एज ए जनता, आप इन्हें क्या सजा देना चाहोगे और आपके डिक्शनरी में इनके लिए क्या सजा है, क्या होना चाहिए ऐसे प्रिंसिपल्स के साथ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके स्कूलों में जो स्थिति है, व्यवस्था, वो किस तरह की चल रही है, पढ़ाई का माहौल हो चाहे व्यवस्था है वो कैसे चल रही है, अपना भी ओपिनियन आप कमेंट में ज़रूर रखें। बाकी एजुकेशनल के सारे अपडेट, शिक्षा जगत की सारी खबरें आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये खबर पहुंचे और लोग जागरूक हों, लोग सही चीज़ को समझे। अगर आपके स्कूलों में टीचर्स की कमी है, अगर आपके स्कूलों में जिस सब्जेक्ट की टीचर्स की कमी है उसकी डिमांड के लिए आवाज़ उठाइए और आप स्कूलों में बताएंगे तो डिमांड पूरी होगी, सारे टीचर्स आएंगे। बस
जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। बाकी सरकार और कोर्ट जो एक्शन लेगी वो आप तक शेयर किया जाएगा। धन्यवाद।